हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो बीके राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे कोई भी फ़ोन कैसे मंगाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहां पे देख सकते हो हमारे पास फ्लिपकार्ट है। अब दोस्तों, काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है कि डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके भी बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो कि ऐप है प्ले स्टोर पर, हमने इसको सर्च कर दिया है और इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जा रहा होगा। तो यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब लॉगिन कर लेना, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से ईएमआई पे लेना चाहते हो, उसको सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ पे आईफोन सर्च कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे आईफोन चाहिए ईएमआई पे, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे आईफोन 12 चाहिए। ओके, तो मैंने इसको सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो प्राइस इसका लगभग 57,000 रुपये है। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक इसका है और मैं इसको ईएमआई पे बाई करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अच्छे से समझ लीजिए। अब बैंक ऑफ़र यहाँ पर मिल जाता है, ऑल ऑफ़र, तो इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4,000 इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा यदि आप HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और सारे ऑफ़र दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी एक ऑफ़र चूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है, तो यदि उससे पैसा कटाओगे तो आपको 4,000 रुपये का तुरंत छूट मिल जाएगा। तो चलिए हम बैक कर देते हैं। अब हमको पता चल चुका है कि HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करने से हमें 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर चीज़ें और सारी डिटेल है, यहाँ पे देख सकते हो बोल रहा है कि आप फ़ोन एक्सचेंज करके कुछ पैसे कम करा सकते हो। जैसे आपका पुराना फ़ोन है तो यहाँ पे उसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्किप एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आपको इन सभी में से कोई भी प्रोडक्ट प्रोटेक्शन या नहीं लेना है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। आप जो भी प्रोटेक्शन लगवाना है आप दुकान पर लगवाइएगा। तो चलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका एड्रेस देखने को मिल जाता है, तो आप इस एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो। और चेंज नहीं करना है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हो लगभग ये 57,000 रुपये लगेंगे और यहाँ पे इसकी फुल डिटेल है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिख के आ जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि यदि आप फ़ोन को बाई कर लेते हो और उसके बाद फ़ोन रिटर्न करते हो, कोई भी डेंट रहता है या कुछ भी इशू रहता है, तो फ़ोन रिटर्न नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए, उसके बाद ही बाई करिए। तो चलिए, हमको ये सारी चीज़ें पता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम अपने फ़ोन को संभाल के रखेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाता है, तो ये प्रक्रिया जो कि दोस्तों ज़रूरी है। और यहाँ पे यदि आप HDFC का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको छूट मिलेगा 4,000 रुपये का। ओके, तो हमको EMI से लेना है इस फ़ोन को, तो हम EMI को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो EMI इजी इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और कॉन्टिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको 57,000 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, बट डेबिट कार्ड नहीं दिया गया है। अब काफ़ी लोगों का सवाल यह है कि यहाँ पे डेबिट कार्ड से हम कैसे बाई करें, तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए कि जब यहाँ पर डेबिट कार्ड अवेलेबल रहेगा तभी आप डेबिट कार्ड से ख़रीदारी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया गया तो आपको क्रेडिट कार्ड ही यूज करना है। आपको क्या करना, आप अपने दोस्त का यूज कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, या दुकान पे जाके बोल देना भैया 100-200 ले लीजिए और इस पैसों को ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड अपना यूज कर लीजिए और हमारा ये सामान मंगा दीजिए, तो मंगा देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप डेबिट कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक का ATM है, सॉरी क्रेडिट कार्ड है, आप उसको यूज कर लीजिए। ओके, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देख सकते हो बताया जा रहा है कि 3 मंथ के लिए यदि आप EMI भरते हो तो आपको लगभग 20,000 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप जैसे जैसे मंथ बढ़ाते जाओगे आपका पैसा कम होता जाएगा, मीन्स आपको इंस्टॉलमेंट जो देना रहेगा आपको कम प्राइस देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर 24 मंथ या 1 साल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, 24 मंथ का सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे लगभग 3,000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। ओके,
और यहाँ पे देख सकते हो 9 मंथ का भी है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप जैसा समझो। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यदि इस फ़ोन को बाई करते हो तो आपको 9 महीने के अंदर लगभग 3500 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे। तो आपको जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, क्रेडिट कार्ड नंबर जो क्रेडिट कार्ड पर रहता है, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डालना है, ईयर डालना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा जो कि बैंक से लिंक रहना चाहिए, और उस OTP को जैसे आप भरोगे तो आपका पैसा कट जाएगा और आपका प्रोडक्ट एक हफ्ते के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से आपकी EMI कटती रहेगी जब तक आपका पैसा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कुछ इसी तरीके से फ्लिपकार्ट पे EMI से प्रोडक्ट ले सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।